तो हाय फ्रेंड्स, स्टैंगो। सो गाइस, फाइनली बैटलग्राउंड्स वाले इंडिया के सीजन वन का रॉयल पास अनलॉक हो चुका है। वैसे कायदे से तो इसको C1S1 के मंथ वन का रॉयल पास कहना चाहिए, बट हम लोग जो भी इसको कहें, फाइनली अनलॉक हो चुका है। एंड आज के दिन हम लोग इसको करने वाले हैं मैक्स आउट, एंड ये होने वाला है 1 से लेके 50 RP तक मैक्स आउट। एंड इसके अंदर देखेंगे हम लोग कितने बार यूसी लगने वाले हैं, ये जानने के लिए मैं खुद भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 100 RP तो कई बार खे हुए हैं, लेकिन 50 RP में क्या होगा मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। एंड मेरे पास कुछ RP कार्ड्स भी पड़े हैं, देखेंगे वो भी एप्लीकेबल है या नहीं है, कैसे सब रहने वाला है जो इस वीडियो में देखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहां पे फाइनली हमारा रॉयल पास अनलॉक हो चुका है। एंड यहां पे ये लोग हमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह दिखा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो यहां पे हम लोग ओके कर देते हैं। एंड यहां हम लोग क्लिक करते हैं रॉयल पास पे, एंड यहां पे हमारा फर्स्ट लुक है रॉयल पास का। हालांकि जो ये वाला ट्रेलर है मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी दिखाया हुआ है। एंड यहां पे हम लोग फाइनली आ चुके हैं सीजन 1 के रॉयल पास के अंदर, तो यहां पे ओपन पे क्लिक करते हैं। एंड ये रहा हमारा सीजन 1 का रॉयल पास, जो कि काफी एक्साइटिंग लग रहा है। वैसे मैंने इसकी लीक्स एक दो बार आपको दिखाई हुई है, बट यहाँ पे ओके मुझे यहाँ पे 60 का वो वाउचर कार्ड भी मिल गया जिसके बारे में बताया था। एंड अब मेरे को जो रॉयल पास है वो 360 का नहीं, सिर्फ 300 यूसी का पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 600 यूसी का फायदा होगा इस रॉयल पास के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख लो सारे के सारे जो हम लोगों के रिवॉर्ड्स हैं, इन सबको मैं दिखा चुका हूँ आपको। लेकिन एक चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी देखनी की मेरे पास इन्वेंट्री में ना एक सीजन कार्ड पड़ा था। हाँ, ये वाला जो कार्ड था, ये वाला कार्ड मेरा सीजन 20 का है। अब ये क्या इसके ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले क्लिक करता हूँ इस जगह पे। ओके नाइस, यहाँ पे ये वाला सीजन कार्ड चल रहा है। एंड जो मेरी रैंक है वो सीधा हो चुकी है 6 रैंक, तो मुझे इसी बात की टेंशन हो रही थी कि ये वाला सीजन कार्ड चलेगा भी या नहीं चलेगा, कहीं वेस्ट ना हो जाए, बट लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड यहाँ पे ये चीज भी हो चुकी है। ओके, एंड ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स हैं, इनको आप ले सकते हो। बिल्कुल, इनको भी हम लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड यहाँ पे पहले तो रॉयल पास को अपग्रेड करते हैं एक बार। एंड यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए हम लोग 960 वाला लेंगे। बिल्कुल, हमें 60 का डिस्काउंट चाहिए। एंड यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया अपने रॉयल पास को इलीट में अपग्रेड। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। मेरी रैंक 6 से सीधा 18 हो चुकी है। वैसे ये 12 होनी थी, लेकिन वो 5 का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से डायरेक्टली 18 हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लोज। अभी मैं जो यहाँ पे ये रिवॉर्ड्स वगैरह है ना, इनको एक साथ ही कलेक्ट करेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, रैंक को और भी परचेस करते हैं। ओके यहाँ पे इसको बंद करते हैं। यहाँ पे ये क्या भाई, ओके तो हम लोग अगर इसको खरीदते हैं, ये जो बॉक्स सा बना हुआ है जिसका नाम है RP एक्टिवली पॉइंट, तो अगर हम लोग इसको बाय करेंगे तो हम लोगों की जो रैंक है वो 10 से सीधा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे तो यही चीज लिखी हुई है। एंड यहाँ पे जो की रैंक है वो डायरेक्टली 28 हो जाएगी अगर हम लोग इसको बाय करते हैं, तो बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको एक बार बाय करके चेक कर लेता हूँ कि भाई सही तो है ना सारा कुछ। ओके, मुझे यहाँ पे 1000 RP पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है। एंड फाइनली हम लोगों की जो रैंक है वो चुकी है 28, काफी बढ़िया चीज रही है वाली। एंड यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं और भी कुछ मिले हैं, मिशन एक्टिवली पॉइंट्स भी मिले हैं, एक्टिविटी पॉइंट्स, तो चलो इनको बाद में देखेंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं, फिर से हम लोग ले लेते हैं एंड अपनी रैंक कर लेते हैं 38। एंड मुझे यहाँ पे क्लासिक क्रेड कूपन भी मिल गया, बहुत बढ़िया। एंड हमारी रैंक हो चुकी है 38, काफी बढ़िया चीज हो गई। एंड यहाँ पे फिर से मुझे मिल चुके हैं मिशन एक्टिवली पॉइंट्स, मिशन एक्टिविटी पॉइंट्स, तो बढ़िया चीज है। एंड यहाँ पे ऐसा करते हैं, अभी अपनी मैक्स कर लेते हैं। मेरे को 3000 यूसी और लगने वाले हैं, मैं यहाँ पे 3000 पूरे खर्चता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से मुझे क्लासिक क्रेड कूपन एंड यहाँ पे RP पॉइंट्स मिल गए। एंड फाइनली हमारा हो चुका है मैक्स रॉयल पास, जो कि है रैंक 50 का, काफी बढ़िया लग रहा है ना दिखने में। एंड यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे थोड़े बहुत फिर से मिले हैं चीजें। एंड ये चीजें अभी तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है, तो चलो यहाँ से बंद करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं, इनको भी कलेक्ट करते हैं। ऊपर की तरफ मुझे कुछ दिखा रहा है ये शायद करने के लिए, आई थिंक नहीं, ये वाला अपने कुछ काम करनी है ना, इतना इसको इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मुझे काफी बढ़िया चीज मिली है। एक मिनट, हो सकता है ये पहले से मिल रही हो सकता है ये स्पेशली इसके अंदर मिली हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे पूरे 5 से 6 क्लासिक क्रेडिट कूपन मिले हैं, तो मुझे बता रहे ये पहले से मिल रही है या फिर सिर्फ इसी के अंदर मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि मुझे तो ये पहली बार मिली है। मैंने रॉयल पास लगभग 8-9 महीनों के बाद आज अपग्रेड किया है, क्योंकि गेम ही बैन थी तो क्या करना था अपग्रेड करके भी। एंड यार मेरी कैलकुलेशन देखोगे, क्या मैंने कैलकुलेशन की थी, मेरे पास सिर्फ अभी 1 ही यूसी बचा, मतलब अगर मैं थोड़ा भी ऊपर नीचे कर देता ना तो बिल्कुल भी यूसी नहीं बचने थे मेरे पास, एंड मुझे मैक्स भी ना कर पाता, तो 1 ही यूसी बचा है। बट चलो फाइनली हम लोगों ने मैक्स आउट तो कर ही लिया, तो चलो यार अब वेट किस बात की। यहाँ पे हम लोग करते हैं अपने RP के रिवॉर्ड्स को कलेक्ट। एंड मेरे को यहाँ पे भाई प्लीज मेरे को सिर्फ यूसी देना, मुझे नहीं करना है निजी करेंसी का कोई काम ही नहीं, मतलब पूरे बेकार रहते हैं। ओके, तो पहला हमें मिल चुका है टिडाल वार गॉड सेट, काफी बढ़िया लग रहा है। एंड अभी चलो इसको कैंसिल करते हैं। दूसरा मिल चुका है डस्ट कैमो सोल्जर M416 A की गन स्किन, काफी बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ मिल चुका है टिडाल वार गॉड मास्क, काफी सही है। टिडाल वारगॉड ऑर्नामेंट, ये भी सही है। यहाँ पे मिल चुकी है टिडाल वारगॉड स्कारल की स्किन। पर्सनली बताऊं ये स्कारल की स्किन मुझे इस रॉयल पास में सबसे बेस्ट रिवॉर्ड लगा, अगर मुझे कोई भी लेना हो तो ये काफी बढ़िया था। एंड इसके बाद मुझे मिल चुकी है नाइट स्टैल्कर सेट, तो ये हमारा मैक्स आउट RP का सेट भी मिल गया। एंड इसके बाद इसका जो मास्क है वो भी मिल चुका है। एंड यहाँ पे हम लोगों के जितने भी RP रिवॉर्ड्स हैं, उसके बाद छोटे मोटे से थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स हैं, जस्ट इनको इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों को एडवेंचर वाला जो इसका ये है ना मिशन, ये भी हम लोगों को मिल चुका है। हालांकि इसके बारे में हम लोग करेंगे, बट सीजन के एंड
में करेंगे अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैचेस वगैरह बहुत ही कम है अपने पास। एंड फाइनली हमें सारी की सारी जो मैक्स चीजें थी मिल चुकी हैं। एक बार ऐसा करते हैं हम लोग इसको पहन के भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके ये वाली आउटफिट है एंड इसका जो मास्क था वो भी मुझे मिला था। यस ये रहा इसका मास्क। वैसे यार मेरे को हेलमेट का वहाँ पे कोई आया नहीं, लेकिन हेलमेट भी मिलना चाहिए था ना। ये रहा हेलमेट है वैसे मेरे पास। एंड पर्सनली देखा जाए तो ये हेलमेट भी काफी बढ़िया लग रहा है। तो ये है हम लोगों की मैक्स आउटफिट जो कि मैंने अभी डाल दी है एंड ये ठीक लग रही है। देखा जाए ना तो इस टाइप की जो आउटफिट होती है मुझे ओके ओके लगती है क्योंकि ये ना बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं। जब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा ही उभर के आ जाते हैं। बट यस काफी बढ़िया लग रही है। एंड गाइस अगर इस सीजन आप लोग बिल्कुल फ्री में रॉयल पास जीतना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज पे 10 रॉयल पास का गिव अवे चल रहा है जिसमें से 3 विनर्स हम लोग निकाल भी चुके हैं। उन 3 विनर्स को रॉयल पास में गिफ्ट भी कर चुका हूं अभी तक। लेकिन डरने की बात नहीं है, अभी पूरे 7 विनर्स हम लोगों ने और निकालने हैं। जस्ट उसके लिए आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना होगा एंड वहां पे आप लोगों को रॉयल पास से रिलेटेड एक वीडियो दिख जाएगी, जाके उसको देख लेना। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप लोग जीत सकते हो। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन मिल जाएगा। तो मेक श्योर मुझे जाके फॉलो कर लो एंड वहां पे फ्री में आप लोग रॉयल पास जरूर जीत पाओगे। तो चलो यार मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इट्स बाय फ्रॉम स्टैंगो। बाय बाय।